क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर वाले ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया है, हर किसी को सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी दी है। जैसे कि डियर के पास चौकड़ी भरकर दौड़ने की एबिलिटी है, लायन के पास हंटिंग की है, उसी तरह क्रोकोडाइल के पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए मजबूत जबड़े हैं और स्नेक के पास है वेनम। वेल, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास कैमोफ्लेज की स्पेशल एबिलिटी है। लेकिन यहाँ सवाल यह आता है कि कैमोफ्लेज आखिर है क्या? कैमोफ्लेज, जिसे हिंदी में छलावरण कहते हैं, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी खुद की रक्षा या फिर रणनीति है, जिसका यूज ऑर्गेनिज्म अपने स्वरूप को छिपाने के लिए करते हैं, आमतौर पर अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से घुलने मिलने के लिए। ऑर्गेनिज्म कैमोफ्लेज का यूज अपनी लोकेशन, आइडेंटिटी और मूवमेंट को छुपाने के लिए करते हैं, जिससे उन्हें प्रीडेटर से बचने के लिए मदद मिलती है और छिपकर शिकार पर घात लगाने में भी। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी ने पबजी खेली होगी, जिसमें वो गिली सूट मिलती है, उसे पहनकर आप घास में या फिर ग्रास में छिप जाते हैं। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कैमोफ्लेज का। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टॉप 10 ऑर्गेनिज्म की जिनके पास अमेजिंग कैमोफ्लेज एबिलिटी है। नंबर 10 पे है द स्नो लेपर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा अनसिया, जो एक लार्ज कैट है जो पाया जाता है माउंटेन रेंजेस प्लेट्यूज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया में। स्नो लेपर्ड वैसे तो कार्निवरस एनिमल है जो एक्टिवली शिकार करता है छिपके, अपने आप को सराउंडिंग से कैमोफ्लेज करके, जिसे पहचान पाना बिल्कुल आसान नहीं है। वेल, इस पिक्चर में आप देखिए कि किस तरह से स्नो लेपर्ड ने अपने आप को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ब्लेंड करके रखा है इतनी परफेक्टली कि आप पहली नज़र में नहीं पहचान पाएंगे। नंबर 9 पे है पिग्मी सी हॉर्स, वन ऑफ द टाइनिस्ट वर्टिब्रेट में गिना जाने वाला यह जीव, जिसका नाम एक स्कूबा डाइवर के नाम पर पड़ा, जिसको 1969 में डिस्कवर किया गया था। यह छोटा सा जीव एक एक्सपर्ट कैमोफ्लेज आर्टिस्ट है, जो गॉर्गोनिया कोरल्स में पाया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस जीनस में हालांकि और भी कई स्पीसीज है, लेकिन इनके अमेजिंग कैमोफ्लेज एबिलिटी की वजह से इन्हें डिस्कवर कर पाना मुश्किल काम बन गया है। नंबर 8 पे है ग्रेट ट्री फ्रॉग, कॉमनली नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में पाया जाने वाला यह फ्रॉग अलग अलग कलर वेरिएंट्स में पाया जाता है, जैसे कि ग्रीनिश ग्रे से लेकर ग्रे ब्लैक तक, डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। वेल, ये फ्रॉग कैमोफ्लेज एक्सपर्ट होते हैं, साथ ही साथ इनके स्किन पे विचित्र पैटर्न होते हैं जो लाइकिन जैसे दिखते हैं, ऑल्दो ये फ्रॉग ब्रीडिंग सीजन में और ग्रीनिश हो जाता है। नंबर 7 पे है चिल्ड्रंस स्टिक इंसेक्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये मीडियम साइज इंसेक्ट, जिसकी एक खासियत यह भी है कि यह इंसेक्ट अपने लिम्ब्स को रीग्रो कर सकता है, क्योंकि अक्सर प्रीडेटर से बचने के लिए अपने लिम्ब्स को रिलीज करना पड़ता है। यकीनन यह बात जाहिर है कि कैमोफ्लेज एबिलिटी चिल्ड्रंस स्टिक इंसेक्ट की प्राइमरी सर्वाइवल टेक्निक है। इस इंसेक्ट की कलर्स जेंडर और एज के साथ साथ चेंज होते रहता है। नंबर 6 पे है वुल्फ स्पाइडर, स्पाइडर वर्ल्ड का स्प्रिंटर यानी धावक कहा जाने वाला यह स्पाइडर जाले नहीं बुनता है, बल्कि यह दौड़कर चेस कर शिकार करता है उल्फ की तरह, जिससे इंस्पायर होके इसका नाम उल्फ स्पाइडर रखा गया है। जानकर हैरानी होगी आपको कि यह अपने शिकार के अंदर वेनम इंजेक्ट करता है, जिससे शिकार के सारे इंटरनल ऑर्गन्स लिक्विफाई होने लगते हैं, यानी एक परफेक्ट स्मूथी। वेल, उल्फ स्पाइडर यह बात जानता है कि कैसे किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है, इसकी कैमोफ्लेज टेक्निक इसे बहुत हेल्प करती है। नंबर 5 पे है द पोटू बर्ड, इस बर्ड को स्ट्रेंज मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज कहा जाता है। इस फोटो में आपने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? वेल, एक नज़र में शायद ही इस बर्ड को आपने नोटिस किया होगा, लेकिन एक क्लोजअप व्यू से देखें तो आप पहचान जाएंगे पोटू बर्ड को। अभी तक इस बर्ड की 7 स्पीसीज की खोज हुई है, बिकॉज दे आर क्वाइट गुड एट प्रिटेंडिंग टू बी ए ट्री स्टम्प लुक। दोस्तों, आप सोच में पड़ जाएंगे कैसे इस बर्ड ने चूज किया यह ब्रोकन ट्री स्टम्प को, जिसमें वह परफेक्टली फिट हो रहा है। यह एक नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस बर्ड है जो मोस्टली ट्री ब्रांचेस पर है।
नंबर 4 पे है द ग्रेट हॉर्नड ऑल। ये ऑल सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं सभी ऑल्स में, जिसकी वजह से इन्हें हम टाइगर ऑफ द वुड्स भी कहते हैं। इस ऑल का नाम ग्रेट हॉर्नड ऑल इसकी टफ्ट्स ऑफ फीदर की वजह से रखा गया, जो एयर के पास होता है और हॉर्न जैसा अपीयर होता है। वेल, इस ऑल के फीदर्स ही कैमोफ्लेज में मदद करते हैं। ग्रेट हॉर्नड ऑल्स दिन में भी देख सकते हैं, वो अलग बात है कि नाइट में विजन और भी बेहतर हो जाती है। दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देखकर तो यकीनन कह सकते हैं कि इनके कैमोफ्लेजिक एबिलिटी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, नंबर 3 पे है लीफ टेल्ड गेको। यह एक अनयूजुअल येट ब्यूटीफुल कार्निवोरस लिजर्ड है और काफी इंटरेस्टिंग भी, जिसकी वजह इसके कई यूनिक क्वालिटीज हैं। दोस्तों, लीफ टेल्ड गेको प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो कि अस्थाई तौर पर अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मेडागास्कर में है। लीफ टेल्ड गेको एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्रिएचर है। अब आप पूछेंगे क्यों? वेल, इसकी पहली वजह है अपीयरेंस। यदि आप इस लिजर्ड को पत्तियों या टहनियों के ढेर के बीच रेस्ट करते हुए देखते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए इसे पहचान पाना काफी मुश्किल होगा। दोस्तों, नंबर 2 पे है फ्लाउंडर फिश। यह एक तरह का फ्लैट फिश है। फ्लाउंडर की लगभग 30 प्रजातियां हैं, जो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। फ्लाउंडर यूजुअली ओशियन की निचली सतह में रहता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फ्लाउंडर फिश की बॉडी कलर उसके हैबिटेट पर डिपेंड करता है। वह 2 से 8 सेकेंड में एनवायरनमेंट से ब्लेंड होने के लिए अपनी बॉडी कलर को चेंज कर सकता है। दोस्तों, जो सबसे अमेजिंग फैक्ट इस फिश की यह है कि इसकी बॉडी कलर इसके इमोशनल स्टेट को डिस्क्राइब करता है। है ना अमेजिंग? दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे है कॉपर हेड स्नेक। ऑल राइट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इस पिक में आप बताओ कि ये स्नेक आखिर है कहाँ। ये देखिए, इस स्नेक ने इतनी परफेक्टली कैमोफ्लेज किया है। बिलीव मी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड द स्नेक। मोस्टली फॉरेस्टेड रीजन्स में पाया जाने वाला यह स्नेक कैमोफ्लेज के लिए लीव्स को यूज करता है जो जमीन पर गिरे होते हैं। एक्चुअली यह एक वाइपर स्नेक है, जिसका वेनम यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। कॉपर हेड तेजी से अपने टेल को वाइब्रेट करता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मस्क इमिट हो सके। तो दोस्तों, यह थी हमारी टॉप 10 एनिमल्स विद अमेजिंग कैमोफ्लेज एबिलिटी। आपको इनमें से किस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Facts Phylum brings you the most amazing and unrevealed facts from the animal kingdom. Subscribe the channel.